दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो बेसिकली 4000 BC के आसपास शुरू हुई थी। इस बात को कोट करते हैं history.com, विकिपीडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया और ऐसे कई ट्रस्टेड सोर्सेस, जिसका मतलब है कि इस टाइम पीरियड जो आज से करीब 6000 साल पहले चल रहा था, उसके पहले ना तो किसी राजा का शासन था और ना ही किसी फ्लॉरिशिंग सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, राइट? हमारा इतिहास इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। जरा सुमेरिया में पाए गए सुमेरियन किंग लिस्ट नाम के इस टैबलेट को ही देख लीजिए, जिसमें रिपोर्टेडली सुमेरिया को बीते हजारों सालों में रूल करने वाले रूलर्स के नाम लिखे हुए हैं, अलोंग विद उनका रूलिंग पीरियड। और ये डेट्स 1-2 हजार साल पहले के नहीं है, बल्कि ओल्डेस्ट किंग का नाम आज से 2,41,200 साल पहले तक जाता है। अब अगर हम इस फिगर को इन्फ्लेटेड मानकर भी 10 गुना कम भी कर देना, तो भी ये 24,000 साल पहले तक जाता है, विच इज वे ओल्डर व्हाट वी अंडरस्टैंड एज द स्टार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और ये इकलौता ऐसा सबूत नहीं है, बल्कि दुनिया भर में ऐसे बहुत से आर्किटेक्चरल और मैन्युस्क्रिप्टिव एविडेंसेस मिले हैं जो इस टाइमलाइन से बिल्कुल मेल नहीं खाते। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में कोई गड़बड़ी है, या फिर दिक्कत वैज्ञानिकों के अड़ियलपन में है जो अपनी पुरानी स्टडीज को अपडेट नहीं करना चाहते हैं? और इस चक्कर में वो नए एविडेंसेस को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइज, मैं हूँ कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो, इंसानों के पूर्वज हमारी धरती पर 28 लाख साल पहले से हैं, और बात करें हम होमो सेपियंस की तो वो भी करीब 3 लाख साल पहले आए थे, या कहे तो इवॉल्व हुए थे। तो देखो, जब हमारे पूर्वज इतने सालों से धरती पर रह रहे थे, तो फिर मेसोपोटामियन में जो 6000 साल पहले एस्टैब्लिश हुआ था, उसमें ऐसा क्या खास बात है कि उसे पहले सिविलाइजेशन का दर्जा दिया जाता है? वेल, द आंसर इज इस सोसाइटी का स्ट्रक्चर्ड होना और नॉलेजेबल होना। देखो, हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे थे, लेकिन हमारी ह्यूमन काइंड में एक स्ट्रक्चर नहीं था। जैसे किसी का पद समाज में बड़ा होना ताकि उसका कहा हर कोई माने, सबको काम बांट देना, कमोडिटीज को डाइवर्सिफाई करना एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर्किटेक्चर्स बनाना। ऐसा माना जाता है कि आर्किटेक्चर्स बनाने की जो काबिलियत है और सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर आया है, वो सबसे पहले मेसोपोटामिया में ही देखी गई थी, जिस वजह से उसी को सबसे पुरानी और सबसे पहली सभ्यता की तरह ट्रीट किया जाता है। बट फिर हम करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वेज और हमें मिलना शुरू होता है ऐसी ऐसी चीजें जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में एक जगह है मेहरगढ़ नाम से, और जब वहां पर एक के बाद एक कई सारे एंशियंट समय की चीजें मिलने लगी, तो उन ऑब्जेक्ट्स की डेटिंग की गई एंड सरप्राइजिंगली दे फाउंड आउट कि उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स और यूटेंसिल्स जहाँ 2600 BC के आसपास के पाए गए थे, वहीं पर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी पाए गए जिनकी डेटिंग 7000 BC की कैलकुलेट करी जाती है, यानी कि आज से तकरीबन 9000 साल पहले, और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी 3000 साल पहले। अब अगर आप इसे किसी कैलकुलेशन एरर की तरह देख रहे हैं ना, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसी रीजन में फॉर्म हुई थी, तो कोई बात नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के मेहरगढ़ से करीब 3751 किलोमीटर दूर चलते हैं टर्की के गोबेकली टेपे में, और जरा इस जगह पर गौर करते हैं। साल 1960s में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और इस्तानबुल यूनिवर्सिटी द्वारा इस जगह की खोज करी गई थी, और जब वो इस जगह की पहाड़ी पे पहुंचे तो उन्हें लाइमस्टोन के कुछ टूटे फूटे मलबे भी मिले। लेकिन पहाड़ी इलाकों में लाइमस्टोन का होना इतनी बड़ी बात नहीं है, जिस वजह से उन्होंने अपनी थीसिस में इसका जिक्र जरूर किया, मगर मिडिवल एज में बने एक खंडर कब्रिस्तान की तरह। अब इस थीसिस को पढ़ने के बाद जब क्लॉस स्मिथ नाम का एक व्यक्ति यहाँ पे कुछ ब्रेक थ्रू लेवल की खोज करने के इरादे से साल 1994 में आए, तो उन्होंने नोटिस किया कि ये केवल किसी कब्रिस्तान के ग्रेव स्टोन नहीं है, बल्कि इस पूरे एरिया को आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है, जिससे उन्हें ये शक हुआ कि उस इलाके के नीचे और भी चीजें मौजूद हो सकती है। और इसी शक को यकीन में बदलने के लिए जब वो एक साल बाद लौट के साल 1995 में आए और इस इलाके की खुदाई करी, तो उन्हें मिले जमीन के नीचे ढेर सारे पिलर्स जो सर्कल में अरेंज थे
और ये कोई साधारण पिलर्स नहीं थे, बल्कि इनमें ऐसी और ऐसी इस तरह की कई सारी आकृतियां बनी हुई थी, जैसे ये जगह किसी सुप्रीम एंटिटी से प्रार्थना करने के लिए या उसे ऑफरिंग देने के लिए बनाई गई हो। अब इस इलाके में और कोई भी चीजें जैसे बर्तन वगैरह या घर गृहस्थी वाले आइटम्स नहीं पाए गए जो किसी सेटलमेंट की निशानी को इंडिकेट करता हो, बल्कि यहाँ पर सिर्फ प्रेयर और इसी से रिलेटेड स्कल्पचर्स और आर्किटेक्चर्स खोजे गए, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि ये जगह कोई घर या शहर नहीं बल्कि बड़ा सा कोई मंदिर है जहां प्राचीन सिविलाइजेशन के लोग पूजा करने आया करते थे। और जब आसपास के इलाकों की कार्बन डेटिंग के बेसिस पे इस टेंपल की अप्रोक्सीमेट एज निकाली गई तो वो भी 9000 BC निकल के सामने आई, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी 5000 साल पहले का है। उससे भी ज्यादा मजेदार बात तो ये है कि साइट को स्टडी करने वाले लोग ये अंदाजा लगाते हैं कि इस जगह पे लेयर्स समय के साथ साथ क्रिएट नहीं हुई थी, बल्कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर रिंग्स बनाई गई थी और इसे जानबूझ के उस प्राचीन सिविलाइजेशन द्वारा दफना दिया गया था ताकि किसी भी कैलेमिटी से वो मंदिर डिस्ट्रॉय ना हो और उनके आगे आने वाले लोगों तक ये नॉलेज पास आउट हो सके। इसी के पास एक और छोटी सी जगह है काटाल होयुक के नाम से, और जिस तरह यहाँ पे मंदिर पाया गया है ना, उसी तरह वहाँ पर भी सेटलमेंट्स यानी कि ऐसी जगह जहाँ ढेर सारे लोग एक साथ रहते हो मकानों के अंदर, वो भी पाए गए थे। और वो जगह भी करीब 7500 BC की बताई जाती है, विच इज स्टिल मच ओल्डर देन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। अब ये लोग भगवान को पूजते थे, घर बना के मकानों में रहते थे, एक साथ गुजर बसर करते थे। कुल मिला के देखने से साफ साफ लगता है कि ये किसी सोसाइटी के पार्ट थे। अब इन क्वालिटीज के बावजूद अगर इन्हें आप सिविलाइजेशन नहीं मानेंगे तो फिर किसे मानेंगे? क्योंकि अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना सिविलाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है तो हमारी नजरों में तो ये मेट्रिक कम्प्लीटली फ्लॉड है। स्टोनहेंज, जिन्हें इतना मिस्टीरियस माना जाता है, उनकी क्रिएशन डेट भी 3100 BC निकल कर आती है, और सिर्फ इतना पुराना होने पर ये एक रहस्य माना जाता है कि उस स्ट्रक्चर को आखिर किसने खड़ा कर दिया। तो जरा सोच कर देखिए, जो स्ट्रक्चर उसी बनावट के होके स्टोनहेंज से इतने पुराने हैं, उन्हें आज की डेट में कितना ही पॉपुलर होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। आज की डेट में शायद ही मेजोरिटी लोग इस जगह के बारे में जानते होंगे, और आपको इसका कारण पता है कि ऐसा क्यों है? वेल, रिजिडिटी की वजह से। देखो, स्पेस साइंस में जब भी कोई रूल ब्रेक होता है ना, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं पर आर्कियोलॉजी में जब कोई ऐसी डिस्कवरी होती है जिससे हिस्ट्री को रीराइट करनी पड़े, तो उस स्टडी को बंद कर दिया जाता है, उसकी फंडिंग को रोक दी जाती है, वेटरन्स एक्नॉलेज नहीं करते, और ऐसे कई बैरियर्स क्रिएट हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं जिससे कि वो पोटेंशियल ब्रेक थ्रूज कभी मास ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पाते। और हम उस छोटे से ब्रैकेट के पहले के टाइम पीरियड के गौरवशाली इतिहास की तरफ नजर उठा के पहुंच ही नहीं पाते, जिसमें पता नहीं कितना कुछ छिपा हुआ होगा। हालांकि यहाँ भी एक कैच है, और वो है नॉलेज के डिसअपीयर होने का। देखो, हमें अभी तक जितने भी एक्सकेवेशन साइट्स में इस तरह के सबूत मिले हैं, वो सब कुछ इस तरह के लगते हैं जैसे उन्हें जानबूझकर हमारे पूर्वजों ने आपदा के आभास में जमीन के अंदर दफन कर दिए हो, ताकि उन जगहों का ज्ञान बाद में पनपने या फिर आने वाले लोगों को मिल सके। अब इंडोनेशिया में मौजूद गुनुंग पादांग पिरामिड, जिसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, उसका भी डीपेस्ट मैन मेड पार्ट आज से 20,000 साल पहले इंसानों द्वारा बनाया गया क्लेम किया जाता है। सो द क्वेश्चन इज कि आखिर ऐसा होता क्या है जो इस सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लाइफ को वाइप आउट कर देते हैं? वेल, अगर हम साइंस की माने, आर्कियोलॉजी की माने, और इवन माइथोलॉजी की भी माने, तो भी हो सकता है कि एक ही आंसर है, और वो है फ्लड, यानी कि बाढ़। सुमेरियन किंग लिस्ट, जिस टैबलेट का हमने सबसे पहले जिक्र किया था ना, उसमें जो सबसे पुराने राजाओं के नाम है उन्हें लिखा जाता है बिफोर द फ्लड एरा, मतलब वो राजा जो बाढ़ आने से पहले राज किया करते थे। और फिर एक बाढ़ आई जो सब कुछ बहा के ले गई और साम्राज्य वापस से शुरू हुआ। अब यहाँ पर गौर करने वाली एक बहुत बड़ी बात यह है कि टैबलेट में लिखा गया है कि फ्लड के पहले जो राजा रूल किया करते थे उनका रेनिंग पीरियड 43,200 से 28,800 सालों के बीच रहता था, मतलब कि हर राजा इतने समय तक राज किया करते थे। मगर आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? आज जहां हमें 100 साल से ऊपर के लोग इक्का दुक्का दिखते हैं, वहीं पर 43,000 साल तक भला कोई राज करना तो छोड़ो, जिंदा भी कैसे रह सकता है?
एंड सरप्राइजिंगली बाढ़ के बाद वाली जो लिस्ट है उसमें किसी भी किंग का इतना बड़ा रूल है ही नहीं। अब इस लिस्ट में भी एक मजे की बात है कि इसके शुरुआत में ही लिखा मिलता है, आफ्टर द किंगशिप डिसेंडेंट फ्रॉम हेवन द किंगशिप वॉज इन एरिडू। मतलब कि जब राजा स्वर्ग से उतर कर आए तब वो एरिडू जो एक प्राचीन सुमेरियन शहर है वहां पर गए, और ऑलमोस्ट हर माइथोलॉजी में स्वर्ग और कुछ नहीं बल्कि स्पेस या फिर आउटर स्पेस को ही कहा जाता है। फिर चाहे हम ओलंपस की ही बात करें या वैकुंठ धाम की, सब कुछ बियॉन्ड द स्काइज ही बताया गया है। तो क्या ये सच है कि पहले इस धरती पे इतने एडवांस या हाई इंटेलिजेंस वाले लोग रहा करते थे जो हजारों सालों तक जिंदा रह सकते थे, और फिर जब वो यहाँ से गए तो बाढ़ आने के बाद उनके सबूत और उनका अस्तित्व सब कुछ खत्म हो गया, ठीक उसी तरह जैसे द्वारका समुद्र में समा गई। नाउ आई गेस इस सवाल का जवाब भी उस बाढ़ में ही बह गया, बट ये इकलौता ऐसा एविडेंस नहीं है जो इस बात को सपोर्ट करता हो। इवन साइंस में हमने कई बार पढ़ा है कि ये पृथ्वी पीरियोडिक आइस एजेस से गुजरती रहती है, जिसके बाद जब बर्फ पिघलती है तो कुछ समय तक बाढ़ के हालात बने रहते हैं और फिर उसके खत्म होने के बाद वापस से जीवन रफ्तार पकड़ती है। हमारे ग्रंथों के हिसाब से पृथ्वी पे चार युग सिर्फ एक बार नहीं आते, बल्कि चतुर्युग कही जाने वाली चार युगों की साइकिल रिपीट होती रहती है, और हर कलयुग के बाद वापस से सतयुग की शुरुआत होती है। पुरानी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रॉय कर दी जाती है, अधर्म का पूरी तरह सर्वनाश हो जाता है, और बचे कुचे धार्मिक लोगों से वापस से ह्यूमैनिटी को रिडेम्पशन का मौका दिया जाता है, और इनकी फेथ रीस्टोर करके फिर से सतयुग की शुरुआत होती है ताकि कालचक्र और चारों युग स्टार्ट हो सके दोबारा से खत्म होने के लिए। वेदों के हिसाब से ये संसार एक कल्प तक चलेगा, और इस एक कल्प में करीब 14 मानव अंतर आते हैं, जिनमें से हर मानव अंतर में टोटल 71 चतुर्युग साइकिल चलती है। इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो पता चलता है कि पृथ्वी पे करीब 994 चतुर्युग चलेंगे, जिनके बीच में मानव अंतर संध्या भी आती है। जो क्या है ये आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नाउ करंटली हम लोग 7वें मानवांतर के 28वें कलयुग में चल रहे हैं, और इस युग के खत्म होने के बाद इस मानवांतर जिसे व्यवस्वता मानवांतर कहते हैं उसका 19वां सतयुग शुरू होगा। सारे मानवांतर और उसका चार्ट आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और अगर इस चार्ट की माने तो ये एक कल्प करीब 4.32 बिलियन सालों तक चलेगा, जिसे आप टेक्निकली हम इंसानों के टोटल सर्वाइविंग पीरियड की तरह भी समझ सकते हैं। नाउ इन ए पीरियड जहाँ इतना कुछ एक्सप्लोर किया जा रहा है, सब कुछ वापस से उसी दौर में जा रहा है, और कहीं ना कहीं अलग अलग रीजन्स में माइथोलॉजीज के एक्चुअल हिस्ट्री होने के एविडेंसेस हर जगह से हर साल निकल रहे हैं। ऐसे में क्या आपके हिसाब से हिस्टोरियंस को अब अपनी रिजिडिटी छोड़ के वापिस से प्राचीन इतिहास को मेसोपोटामिया के पहले वाले चैप्टर के लिए कंसिडर करके एक्नॉलेज करना चाहिए या नहीं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है अश्वत्थामा के बारे में कि आखिर अश्वत्थामा कौन थे, आखिर वो इमॉर्टल कैसे बने, और आज वो कहां है। यहां पर टैप करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। दोस्तों मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।